कैट डिवॉर्मिंग के कौन से मेडिसिन है, क्या क्या डोसेज है और कब कब हमें अपने कैट की डिवॉर्मिंग करना जरूरी है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो मार्केट में दो तरह के मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, एक टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है और एक सस्पेंशन में अवेलेबल होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मेडिसिन अवेलेबल है उसमें है फैलिडी, ट्रोंटल कैट, कीवॉफ और किलवॉफ, इस तरह के मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। अगर आप टैबलेट सेलेक्ट करते हैं तो टैबलेट जो होता है वो 0 to 2 kg के लिए हाफ टैबलेट होता है और 2 to 4 kg के लिए एक टैबलेट होता है। वहीं पर अगर आप सस्पेंशन सेलेक्ट करते हैं तो सस्पेंशन जो होता है वो 1 ml 1 kg बॉडी वेट के लिए होता है। सपोज़ आपके कैट का वेट जो है वो 1 kg है तो वहाँ पर आपको उसे 1 ml देना होता है। वहीं की अगर हम बात करें इसके डोसेज की, तो आपको लगभग हर 2.5-3 महीने में उन्हें जो है डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है।